प्यारे बच्चों, आज आपको हम सिंप्लीफिकेशंस का दिए हैं क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 से लेके 10 तक। आप देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा, भटमा शुल्क का भी देखना होगा। तो देखिए, पहले आपको हमेशा बोलते हैं राप में जगह में देख लीजिए, राप का जगह मास्ट आपका दिया है एक्स स्क्वायर। डिनोमीटर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। आप इसको मिडिल टर्म फैक्टर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, क्योंकि थ्री इंटू टू इज सिक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये सब चीज। एंड थ्री प्लस में है माइनस टू है, जब कीजिएगा इक्वेट तो एक्स हो जाएगा। तो इससे आपके इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो क्या हो गया एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, ए हो गया फैक्टर, क्लियर। एंड नेक्स्ट इसका ए को सेकेंड फैक्टर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, क्योंकि माइनस आपको दिखा रहा है इसलिए माइनस, ये वाला प्लस टू एक्स, पांच रुपया उधर ही था, दो रुपया उधर ही खत्म कर दिए, तो तीन रुपया उधर ही रहेगा। जैसे भी आप समझ सकते हैं समझिएगा, x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस टू, ये मिडिल टर्म फैक्टर में मेरा ये वाला हो गया। ये कभी भी मत सोचिएगा कि हमको ज़्यादा टाइम लग रहा, आपका टाइम सेव हो रहा, और आपका सबसे बड़ी बात है आप जो मैथ कीजिएगा वो एकदम राइट होगा। नाउ आप यहाँ पर इक्वल टू साइन दीजिए, वन बाई फोर जैसा लिखे ऐसा लिखिए, एंड यहाँ सेकेंड ब्रैकेट दीजिए x प्लस थ्री बाई यहाँ का जो है x प्लस थ्री एंड x माइनस टू। देखिए आराम से हो गया, यहाँ माइनस दीजिए x माइनस फाइव बाई x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस टू। देखिए वो पहले हम रात में कर लिए इसलिए हमारा कोई तक नहीं, यहाँ ब्रैकेट दीजिएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सिंपल चीज एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब राफ करके यहाँ रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा राफ। तो आप देखिए ये वाला आपका दोनों मिल गया, एक्स माइनस फाइव कैंसिल, एक्स प्लस थ्री कैंसिल, तो आपका क्या रह गया वन बाई फोर इंटू वन बाई एक्स माइनस टू एंड माइनस वन बाई एक्स प्लस टू। अब एकदम बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, आपका ब्रैकेट का काम पहला होगा, ब्रैकेट का काम नहीं करके आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जरा एक ख्याल रखिएगा, भटमा शुल्क के हिसाब से फर्स्ट ब्रैकेट देन ऑफ देन डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्सट्रैक्शन। सो इसमें देखिए ये वाला क्या हो गया वन बाई फोर, वन बाई फोर रखिएगा। एंड नाउ जल्दी वाली एकदम नहीं, यहाँ डिविजन लाइन जरूर दीजिएगा, यहाँ x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और यहाँ पर x प्लस टू होगा x प्लस टू, और यहाँ देखिएगा यहाँ माइनस है तो यहाँ x माइनस होगा, और ए वाला माइनस ए माइनस टू, ये वाला प्लस हो जाएगा। ये चीज आप लोग जरा ख्याल रखिएगा, ये चीज अगर नहीं करेगा गलती से, अगर यहाँ माइनस रखिएगा तो आपका पूरा मैथ गलती। प्लीज अगर आप नहीं समझे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए वन बाई एक्स माइनस टू माइनस वन बाई एक्स प्लस टू, तो क्या हो गया आप देख लीजिए, यहाँ इक्वल टू दीजिएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू या माइनस दीजिए माइनस एक्स माइनस टू। आप देखिए क्या निकल रहा, एक्स माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, जो चीज मैंने यहाँ लिखा तो यार कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल, या जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूर लिखिएगा वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर। एंड नाउ वन बाई फोर इंटू ये वाला क्या, सॉरी यहाँ पर टू होगा, ये वाला टू होगा नॉट फोर, क्योंकि यहाँ टू है, हमने गलती लिख दिया था टू है, तो यहाँ क्या हो गया टू प्लस टू फोर,
4 by x square minus 4. अपने आप चेक होते रहेगा, देखिएगा लाभ करने से यही आपका सुविधा है। अपना गलती अगर हो भी जाएगा तो आपको मिल जाएगा क्या गलती आपने कर रहा है। 1 by x square minus 4, अब देखिए 4 4 कैंसिल, तो क्या हो गया 1 by x square minus 4 and minus 1 by x square minus 4। ये चीज को जरा ख्याल रखिएगा, सॉरी यहाँ प्लस 4 है, ये जरा देखिएगा बहुत समय गलती होता है। x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4 होगा, यहाँ भी x प्लस 4 होगा। क्वेश्चन साथ साथ चेक कीजिएगा तो आपका क्या होगा। नाउ इसके बाद क्या होगा देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी का जब से एक्स स्क्वायर का जगह में अभी x टू दी पावर 4 एंड यहाँ 4 इंटू 4 16, x टू दी पावर माइनस 16 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ भी सेम माइनस, पहले माइनस रखिए एक्स स्क्वायर और ए वाला माइनस 4 जो चीज आगे वाला हिसाब में। नाउ क्या होगा देखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस 16, अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज 8 बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस 16। तो आपको जो चीज पहला ख्याल करना है, हमेशा क्वेश्चन को देखिएगा ठीक से, क्वेश्चन आप उठा रहा है क्या नहीं उठा रहा है। जैसे यहाँ पर माइनस प्लस के जगह माइनस गलती लिख दिए थे, फिर हम प्लस के, इसीलिए राफ करना बहुत जरूरी है। और सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी मैथ है, सिंपल नाम ही है उसका, इजी मैथ है। अगर नियम से चलिएगा आपका मैथ जल्दी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको यदि मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, मैथ अच्छा लगे, आप जरूर अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी मैथ में डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिए, हम आपका मैथ कर देंगे। थैंक यू।